संडे और संडे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ब्लॉग। अपना ब्लॉग मतलब निक्की का ब्लॉग। और सुबह चाय के साथ ब्लॉग बनाना एक अलग ही मज़ा होता है। तो मैं एक्चुअली आया था पीछे मतलब अपना जो खेत है, यहाँ अब तो कुछ है नहीं, पूरा जंगल ही जंगल है, लेकिन कुछ बीन्स के पेड़ लगाए थे जो ये अभी एक दो हो रहे हैं, तो मैं वहीं तोड़ने आया था। एक्चुअली मैं तोड़ के कुछ रख दिया घर के अंदर, फिर मैं दोबारा आया हूँ कि एक दो रह गया होगा। और निक्की तो सोई है, अभी 8:30 बज चुके हैं, क्योंकि सुबह तो उठना है नहीं। और ये देखो बीन्स है, वैसे सुबह उठ जाती है निक्की, क्योंकि सुबह मेरे को ड्यूटी जाना होता है और टिफ़िन वगैरह पैक करना होता है। तो लेकिन आज संडे है और ये देखो क्या हुआ। सो बीन्स मैं दिखाता हूँ आपको, एक दो हुए, लेकिन मैं जो बड़ा बड़ा था ना वो मैं पहले ही तोड़ के मैं रख दिया अंदर। ये देखो बीन्स, ये तो अभी सब छोटे छोटे है, एक बड़ा हुआ ये, और ये बीन्स का पेड़ है, अभी पूरा सूख चुका है पेड़। देखो अभी खाली पत्तियाँ कुछ भी नहीं, खाली बीन्स भी दिख रहे। तो मैं चलता हूँ निक्की को उठाने। अब उठो, सुबह हो गया, अरे उठ जाओ, ये गुड मॉर्निंग गाइज। अभी सुबह के बजे हैं 8:30 और मैं उठ गई हूँ, और हस्बैंड मेरे सबसे पहले, मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं मेरे से पहले, तो मेरे को वो उठाते हैं। और अभी जो है चल रहा है मेरा थोड़ा काम, जो कि सबसे पहला काम होता है बेड को ठीक करना, जो कि ये सबसे मतलब अच्छा काम है कि सबसे पहले उठ के ही आप बेड को ठीक कर लो, तो यही सबसे बेस्ट काम होता है, एक पॉजिटिविटी आती है। और अभी मैं बेड को ठीक करने के बाद करूँगी ब्रेकफास्ट, तो इसको फटाफट से मैं ना ठीक कर लेती हूँ। और अभी जो है ना ठंड पड़ गई है, तो इस वजह से मैंने ये जो चादर है, बेडशीट है, ये ऊलन टाइप का है, तो इसको ही यूज़ कर रही हूँ। और अभी जो कि मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके सबसे पहला काम रहता है जो रात के जो बर्तन रहते हैं उनको सेटअप करना, अपनी जगह में रखना। और ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है, बर्तन सारे मतलब अपनी जगह में रखना, ये मुझे बहुत मतलब बोरियत सा काम लगता है। तो ये सब मैं रात को तो पोछ पाछ के रख देती हूँ, बट फिर भी सुबह उठ के थोड़ा सा करना पड़ता है ना। और ये जो मेरा टेबल है ये तो हमेशा मैस होता रहता है, क्योंकि ये बहुत यूज़ होता है, इसके ऊपर काम चलता रहता है मेरा, इस वजह से मेरे को वो साफ करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी दोपहर नहीं सुबह के बजे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के बजे हैं 10 और मैंने नहा लिया है, और अभी नहा के जस्ट कपड़े सुखाने जाऊंगी छत पे। और अभी जो है मैं आई हूँ पीछे गार्डन में, जो कि कुछ मेरे बच्चे आए हैं अभी, ये तन्मय से हेलो का। और हेलो का हेलो हेलो गाइस का, शर्मिला है, हाँ बच्चा शर्मिला है, इसका नाम है तन्मय। और साक्षी कहाँ गया, साक्षी है नहीं। सो अभी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं काम थोड़ा सा, और मैं जाऊँगी अभी छत पे कपड़े डालने। और अभी मैं जाऊँगी अपने मायके में, वहाँ पे आज जो है लंच है हम दोनों का, तो
और आज आने वाला है मेरा कवर, फ़ोन कवर, तो पता नहीं, डिलीवरी तो आज है, आज का बोला है बट आया नहीं अभी तक। पूछा भी है, बहुत लोग गए भी हैं यहाँ से, मतलब जो डिलीवरी बॉय होते हैं, तो उनसे भी हस्बैंड ने पूछा है कि हमारा पार्सल आया है कि नहीं, तो अभी तक नहीं आया है। अगर कवर ना लगाओ ना अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कवर चाहिए जल्दी। उनके बैग भी आई थे। मैं दिखा दूँ मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड का काम सफाई अभियान। यहाँ लाइएगा सारे फूल, ये जो है सारे दहलिया के फूल है जो मैंने आलू बचा के रखा था। अगर आप आलू बचा के रखते हो ना, तो इसका मतलब आपका पौधा जो है जीवित रहेगा जन्म भर तक, आपके आपके साथ चलने वाला है 7 जन्मों तक। तो मैं आलू बचा के रखती हूँ। देखो एक वहाँ है, एक वो है, बहुत दहलिया भरे पड़े हैं मेरे घर में बच्चे। तन्मयटा ये सुनो, पोयम सुनो, लाला जी ने केला खाया वाला। लाला जी ने केला खाया है, चुप चुप है, तुम्हें कहो लाला जी ने केला खाया। चल तू शर शर तू शर शर यार क्यों शर तू शर गंदा बच्चे शर आ शर ए पछते तन में पछते ए पछते। अरे हाय के तू और वही नमी ये के कुत्ते से। अरे আমার কোলে আয়, তুই কোলে বসে যা, জলদি বসে যা, জলদি বসে যা। করে তার মেয়ে এনে দাঁড়াও, এনে দাঁড়াও, হিংসা দে সখি। হ্যাঁ দাদা নেই যে নিবু না কোলে দাদা রে। চলো তার মেয়ে একটা পোয়েম শুনো। তোমাদের শুনাই নি আমি, আমি দাদার দ্বারা শুনিছি। चलो कहो लाला जी ने केला खाया है, लाला जी गिर गए, लाला जी पूरे दिसे धड़ाम कर रहे हैं। अब तुम ही सुनो, लाला जी केला खाया, लाला जी पूरे दिसे महान से महान थी। लाला जी ने केला खाया, छिलका फेंके दिसे, लाला जी पूरे दिसे धड़ाम कर रहे हैं। এবার তুমি জানি জানি শুনো, জানি জানি এস পাপা লেকিন চোগা নো পাপা ইন হাউ। আরে টালিং না কর, টালিং নাই নো পাপা ইন হাউ উপানি পাপা। হা হা গো উপানির পাউট ये जो सारे है ना, ये सूखे वाले कपड़े हैं, तो लेकिन थोड़ा सा नमी नमी है तभी मैं धूप में डाल रही हूँ। और ये स्वेटर जो है अभी तक नहीं सूखा, सॉक्स भी नहीं सूखा, क्योंकि कल आपको बताया कि कल मेरे को लेट हो गया था कपड़े धोते धोते। কি লাগাইছে দুধে? अभी और मैंने देखते हैं क्या आया अपना सरप्राइज। वैसे कोई सरप्राइज नहीं है, वैसे तो मैं बोल ही रही हूँ उस टाइम से ये आएगा करके।
पैकेजिंग अच्छी है सही में। ऑसम लिया फोन कवर जो कि ये लिया है 258 रुपीस का आया है ये, मुझे अच्छा लगा ये मुझे बहुत चाहिए था, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी मुझे। सो अभी मैं चलती हूँ अपने मायके में, तो आपसे मिलती हूँ वहाँ जाके, ठीक है? सो बाय बाय गाइस, अभी मैं आई हूँ अपने घर में, मम्मी सब यहाँ सब कुछ बैठा है, मम्मी खाना पका रही है, थोड़ा हेल्प करके आई हूँ मैं। बाद में बात करती हूँ तो कॉपी राइट आ जाएगा। घर में कौन आया? ये अरे बाबा, अरे 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 मारा मनी ना, अरे 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 ये कौन सा मैनर्स हुआ भाई, है व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आज बहुत टाइम के बाद थोड़ा लॉन्ग घूमने आए हैं मेरे फेवरेट प्लेस पे, जो आप सबको पता है कहाँ है, ये वाला रोड। हाँ तो यहाँ पे लगाया लोगों ने क्या गेहूं लगाया है। अरे अमी मतलब मैं बंगाली हूँ तो थोड़ा बंगाली जो है ना बोल चाल जो वो थोड़ा आएगा, हाँ तो उसको थोड़ा इग्नोर करके चलिएगा। और अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आने का, मतलब ये है कि ये सारे चीज़ें, ये जो जितने भी बहुत नेचर है इस रोड में, बहुत नेचर है सही में। यहाँ से ना सनसेट दिखता है, देखो ये सनसेट देखो, माय गॉड की ध्यान है तुम्हें की ध्यान है, मेरे हस्बैंड पीछे। सही में इस रोड में मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये रोड मुझे मतलब एक बार शादी से पहले हम लोग एक बार घूमने आए थे ना, इस रोड में नहीं आए थे, दूसरे रोड जो शॉर्ट में चला गया वो वाले में आए थे, ठीक है? मैंने सोचा कि इस रोड में आऊँगी, जो कि हम चले गए थे वो उधर से एक रोड आता है तो वहाँ गए थे हम। इतना गुस्सा आया ना उस टाइम, मुझे नया नया पता भी नहीं था, इनको भी पता नहीं था कि ये रोड बना है, और ये रोड तो न्यूली बना है। तो मैं ना आपको थोड़ा व्यू दिखाती हूँ, आप थोड़ा सिनेमेटिक शॉट देख लीजिए। I can't take it, I wish I'd get away from here, never back to this. It's all that I wanted, and I'll forget about it, cause what you did is not that cool. हेलो गाइस, और अभी मैं आई हूँ अपने घर में, अपने पति के घर में, जो मेरा पति का मुंह एकदम काला काला सा अजीब सा लग रहा है। सो अभी मेरे को फ्रेश होना है, कपड़े उठाने हैं, टाइम हो रहा है अभी 5:30। तो आज का जो संडे था कुछ इस तरीके से था, बहुत ही मज़ेदार वाला था, आज मज़ा आया। तो अभी बनाऊंगी चाय, उसके बाद इस ब्लॉग को कर दूंगी एंड। सो बाय बाय। Thank you.
खानदान खान नाम से है, तो वो मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मेरा नाम लो, मेरा नाम लो तुम्हारे ब्लॉग में। तो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत अच्छे व्यूअर है, बहुत अच्छे एक सपोर्टर है जो कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे सपोर्ट करते हैं, बातें करते हैं। हाँ, तो वो मेरे बहुत अच्छे एक सपोर्टर है जो कि मुझे बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं। और थैंक यू सो मच कि आप जैसे भी बहुत लोग हैं, तो मैं सोचूंगी सबका बारी बारी से नाम लूंगी, जो जो लोग मतलब मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं सबका नाम लूंगी। एक तो है खानदान खान और एक है निशिकांता जेना जो कि बहुत अच्छे भैया है वो मेरे। तो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो गाइज, इस ब्लॉग का भी यही एंड करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, फुल वॉच करने के लिए। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को आगे बढ़ाइए। तो अभी इस ब्लॉग में एंड करते हैं। सो बाय, थैंक